हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इन माय क्लास। एंड टुडे आवर टॉपिक इज ओजोन। ओके, आई विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक ऑफ ओजोन। आज हम बात करेंगे ओजोन के बारे में। ओजोन समताप मंडल में पाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण गैस है जो सोलर रेडिएशन की परावैगनी किरणों अल्ट्रावायलेट जो रेज होती हैं से पृथ्वी का कारगर बचाव करती है। ओके, ओजोन परत का यह क्षेत्र पृथ्वी की सतह से 60 किमी की ऊंचाई तक व्याप्त है, लेकिन ओजोन परत का सर्वाधिक सांद्रण समताप मंडल में 12.35 किमी की ऊंचाई के बीच पाया जाता है। इस ओजोन परत को पृथ्वी का रक्षा कवच भी कहते हैं। इट्स मीन दैट इट इज़ कॉल्ड द शील्ड ऑफ अर्थ। ओके, तो ये पृथ्वी का रक्षा कवच भी मानी जाती है। ओजोन परत में सूर्य की 90% परावैगनी किरणें अवशोषित हो जाती हैं। ओके, तो ओजोन परत क्या है कि ओजोन गैस पूरी पृथ्वी के ऊपर एक परत के रूप में छाई रहती है, मतलब छाया रहता है, और क्षतिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों के विकिरण को धरातल पर रहने वाले प्राणियों तक पहुंचने से रोकता है। इस परत को ओजोन परत कहते हैं। यह परत मुख्य रूप से समताप मंडल में होती है और इस परत की मोटाई 10 से 50 किलोमीटर तक होती है। ओके, इसे जीवन सहायक इसलिए माना जाता है कि इसमें कम तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ का प्रकाश है जो कि 300 नैनोमीटर से भी कम हो, को अपने में अवशोषित करने की विलक्षण क्षमता है। जहाँ पर वातावरण में ओजोन उपस्थित नहीं होगी वहाँ सूर्य की हानिकारक परावैगनी किरणें पृथ्वी पर पहुँचने लगेंगी। ओके, सर्वप्रथम सबसे पहले जो जोसेफ फर्मन है, तो जोसेफ फर्मन ने वर्ष 1985 में अंटार्कटिका के ऊपर वायुमंडलीय ओजोन की अल्पता का प्रत्यक्ष प्रमाण प्रस्तुत किया। इसके अनुसार अंटार्कटिका के ऊपर वायुमंडल में बसंत काल में ओजोन परत में कम से कम 40% क्षय हो जाता है। इसका कारण है अंटार्कटिका के वायुमंडल में मौसम की अतिवादी दशाएं हैं, बर्फ़ की झीलों की मौजूदगी से क्लोरीन व ऑक्सीजन अणु संयोग आसान हो जाता है। ओके, इसमें एक तरीके से संयोग होता है वो आसान हो जाता है। इसके साथ ही विशिष्ट ध्रुवीय वाताग्र तथा समताप मंडलीय बादलों की उपस्थिति में क्लोरो फ्लोरो कार्बन का अंतर्वाह जो इनफ्लो भी होता है वो भी इसे उत्प्रेरित करता है। ओके, और 1984 में अमेरिकी उपग्रह निम्बस ने ओजोन परत का काफ़ी नज़दीकी से अध्ययन किया है और 1987 में शोध द्वारा यह सिद्ध हुआ है कि क्लोरीन गैस ओजोन को नष्ट करती है। वैज्ञानिकों ने इस संदर्भ में ये पाया है कि क्लोरीन का एक परमाणु 1,00,000 ओजोन अणुओं को जब्त कर लेता है और अप्रैल 1991 में नासा ने बताया है कि गत एक दशक में ओजोन परत का 4.5 से 5% तक ह्रास हुआ है। ओके,
अभी हमारा ओजोन परत का क्षरण के कारण प्राकृतिक कारकों में सौर क्रिया, नाइट्रस ऑक्साइड, प्राकृतिक क्लोरीन, वायुमंडलीय संरचना, पृथ्वी के रचनात्मक प्लेट, किनारों से निकलने वाली गैस तथा केंद्रीय ज्वालामुखी उदग्रार से निकलने वाली गैसें प्रमुख हैं। मतलब ओजोन का जो क्षरण है कुछ विशिष्ट गैसों के कारण होता है और ये गैसें ओजोन के अणु का विघटन कर देती हैं, जिसमें O3 के जो अणु होते हैं उनका विघटन करती है। इनमें क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन हेलोन्स हैं, नाइट्रस ऑक्साइड एंड ट्राइक्लोरो एथिलीन हेलोजन्स आदि शामिल हैं। प्रमुख हानिकारक गैसें कौन सी हैं जो निम्नलिखित हैं, जैसे कि हम बता रहे हैं, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये अत्यंत स्थायी और अज्वलनशील और प्रयोग में सुरक्षित गैस होती है। इस कारण वे एरोसोल, रेफ्रिजरेटरों और अग्निशामकों जैसे अनेक औद्योगिक उपयोगों के लिए आदर्श है। अपने स्थायित्व के कारण वायुमंडल में CFCs का जीवन भी लंबा होता है। नेक्स्ट है हेलोन्स। हेलोन्स भी संरचनात्मक रूप से क्लोरोफ्लोरो के समान होती है, पर इसमें क्लोरीन के स्थान पर ब्रोमीन के परमाणु होते हैं, जो कि ओजोन परत के लिए CFCs से भी अधिक खतरनाक होते हैं। हेलोन्स अग्निशामक पदार्थों के रूप में प्रयुक्त होते हैं, क्योंकि आग बुझाने के दौरान वे लोगों और उपकरणों को हानि नहीं पहुंचाते हैं। जब ये गैसें ऊपरी वायुमंडल में पहुंचती हैं तो समताप मंडल में पराबैंगनी किरणें रासायनिक बंध को तोड़कर क्लोरीन को मुक्त करा देती हैं और ये फिर ओजोन के अणुओं पर क्रिया करके उनको ऑक्सीजन के अणुओं और परमाणुओं में बदल देती हैं। अब नेक्स्ट आएगी आपकी नाइट्रस ऑक्साइड। ये नाइट्रस ऑक्साइड जो है जेट जो विमान होते हैं, उर्वरक जो होते हैं आदि से निस्सृत नाइट्रस ऑक्साइड भी ओजोन को हानि पहुंचाती है। ओके, ओजोन परत के क्षरण के कारण है वो, उनके प्रभाव भी हम देख सकते हैं, जैसे मानव स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है इसका, खाद उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है, पदार्थों पर प्रभाव पड़ता है और जलीय परितंत्रों पर भी प्रभाव पड़ता है इसका। ओके, अब ओजोन में एक छिद्र है, ओजोन छिद्र के बारे में हम बात करते हैं। जैसे वायुमंडल में भी ओजोन की माप वर्ष 1957 में ब्रिटिश दक्षिण ध्रुव सर्वेक्षण दल ने आरंभ की थी, जिसका वर्ष 1985 में पता चला कि दक्षिण ध्रुव प्रदेश के ऊपर बसंत ऋतु में ओजोन का पर्याप्त ह्रास होता है। कौन सी ऋतु में? बसंत ऋतु में। ओके, ओजोन की सांद्रता वर्ष 1970 में 300 डॉप्सन यूनिट से घटकर वर्ष 1984 में 200 DU तक पहुंच गई थी। यह वर्ष 1988 में थोड़ी बढ़कर 250 DU हुई, परंतु वर्ष 1994 में कम होकर 88 DU हो गई। इस प्रकार 1970 के दशक के मध्य से ओजोन सांद्रता में लगातार गिरावट होने लगी और ओजोन सांद्रता में इस ह्रास को ओजोन छिद्र, इसमें ओजोन होल, इट इज़ कॉल्ड ओजोन होल, इसे हम ओजोन छिद्र कहने लगे। और ओजोन को जो मापने की इकाई है वो क्या है? डॉप्सन है। ओके, ओके, समताप मंडल क्या होता है? समताप मंडल में ओजोन की कुल मात्रा में प्रति दशक लगभग 4% की धीमी लेकिन स्थिर कमी आ रही है और समान अवधि के दौरान पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर समताप मंडल की ओजोन में अधिक लेकिन मौसमी कमी आ रही है। बाद वाली जो भी घटनाएं होती हैं उन घटनाओं को सामान्यतः ओजोन छिद्र के रूप में जाना जाता है।
इस जाने माने संताप मंडलीय ओजोन रिक्तिकरण के अलावा क्षोभ मंडलीय ओजोन रिक्तिकरण की घटनाएं भी पाई गई हैं, जो बसंत ऋतु के दौरान ध्रुवीय क्षेत्रों की सतह के पास होता है। टॉम्स ग्लोबल ओजोन, ओके, इट इज द अर्थ प्रोब टॉम्स। Thanks for watching.